वह आईएएस जिसने मुख्यमंत्री की निकाली थी हेकड़ी। बिहारी बेजोड़ के आज के सेगमेंट में बात एक ऐसे बिहारी के बारे में जो अपनी ईमानदारी के लिए जाना गया। उसने जब सच्चाई से अपनी बात रखी तो उसे डांट भी पिलाई गई। वह नेता पहले खांटी राजनेता नहीं था, पहले प्रोफेसर बना, फिर आईएएस बना, उसके बाद राजनेता बना। जब वे राजनेता बने तो वे अपने कार्यों और अपनी वाक्पटुता के लिए हमेशा सुर्खियों में रहे। एक बार तो उनकी झड़प बिहार के मुख्यमंत्री से भी हो गई थी। इतना ही नहीं, जब वो बीजेपी में थे तो नितिन गडकरी के ऊपर जब भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो यही वे नेता थे जो सबसे ज़्यादा मुखर होकर सामने आए थे। यह भी कहा जाता है कि उस घटना के बाद से इस राजनेता का बीजेपी से दूरियां बढ़ने लगी थी। बाद में यह राजनेता बीजेपी के विरोध में ही साल 2022 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ गया। अब तक आप भी समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं यशवंत सिन्हा के बारे में। बता दें कि बिहार के इस राजनेता का जन्म 6 नवंबर 1937 को बिहार के नालंदा जिले के अस्थावा में हुआ था। इनकी शुरुआती पढ़ाई पटना में हुई, उनकी आगे की पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से की। उन्होंने राजनीति शास्त्र से मास्टर की पढ़ाई की, उसके बाद वे पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे। उसके बाद उनका चयन साल 1960 में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस की परीक्षा पास की थी। वे लगातार 24 सालों तक आईएएस के रूप में सेवा देते रहे। वे इस दौरान भारत सरकार में वाणिज्य मंत्रालय के उप सचिव भी रहे। उसके साथ साथ जर्मनी के दूतावास में प्रथम सचिव वाणिज्य के तौर पर नियुक्त भी किया गया था। वे साल 1973 से लेकर 1975 तक भारत कौंसुल जनरल भी रहे। जब वो आईएएस के रूप में सेवाएं दे रहे थे उस समय उनके कार्यकाल में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसने उन्हें एक सख्त इंसान बनाया, परिस्थितियों से लड़ने वाला इंसान बना दिया। जब वे आईएएस की परीक्षा पास कर जिलाधिकारी बने तो उनकी पहली पोस्टिंग बिहार ही हुई थी। शुरुआत में वे आरा और बाद में पटना, उसके बाद संथाल परगना जो कि अब झारखंड का हिस्सा है में डिप्टी कमिश्नर के तौर पर भेजा गया था। उस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद हुआ करते थे। वे संथाल परगना पहुंचे जहां मुख्यमंत्री की यशवंत सिन्हा से झड़प हो गई। यशवंत सिन्हा ने बीबीसी को दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि मुख्यमंत्री को कई लोग शिकायत कर रहे थे, हर शिकायत के बाद मुख्यमंत्री मेरी तरफ देख रहे थे। इसी दौरान कम्युनिस्ट पार्टी के सिंचाई मंत्री भी मेरी तरफ आक्रामक होकर बोलने लगे। इतने में मैंने कह दिया, सर मैं इस व्यवहार का आदी नहीं हूँ। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मुझे बुलाकर कहा कि आपको इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए था। तब यशवंत सिन्हा ने कहा कि मंत्री जी को भी इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। इसके बाद मुख्यमंत्री गुस्से में हो गए और उन्होंने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा कि आपको हिम्मत कैसे हुई बिहार के मुख्यमंत्री से इस तरह की बात करते हुए। उन्होंने यह भी कह दिया कि आप दूसरी नौकरी की तलाश कर लीजिए। इसके बाद यशवंत सिन्हा ने मुख्यमंत्री से कहा कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ और चाहता हूँ कि मुझसे लोग शराफत से पेश आए। उन्होंने यह भी कहा कि जहाँ तक दूसरी नौकरी खोजने की बात है तो मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, लेकिन आप आईएएस अधिकारी नहीं बन सकते हैं। इसके बाद उन्होंने अपने कागज हाथ में उठाए और वहाँ से बाहर चले गए। इस घटना ने पूरे प्रदेश में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद उनका तबादला पटना कर दिया गया। इसके बाद उन्हें पश्चिमी जर्मनी में भारतीय दूतावास में फर्स्ट सेक्रेटरी के तौर पर भेजा गया। उन दिनों की घटना को याद करते हुए यशवंत सिन्हा बताते हैं कि उस समय के वाणिज्य मंत्री रहे ललित नारायण मिश्र जर्मनी के दौरे पर थे। उनके यहाँ फोन आया कि मंत्री जी जर्मनी के दौरे पर हैं, कुछ देर वे फ्रैंकफर्ट में रुकेंगे, आप उन्हें जर्मन चश्मे की कुछ फ्रेम दिखा दीजिएगा। जब यशवंत सिन्हा चश्मा खरीदने के लिए बाजार गए तो वहाँ चश्मे बहुत महंगा था। उनके मन में यही चल रहा था कि मंत्री जी इनके पैसे देंगे या नहीं। खैर, उन्होंने 4-5 चश्मे का फ्रेम खरीद कर मंत्री जी के पास पहुंच गए। मंत्री जी को चश्मा खूब पसंद आया। इस दौरान दोनों के बीच में खूब देर तक बात भी हुई, लेकिन पैसे की बात इस दौरान नहीं हो रही थी और यशवंत सिन्हा के मन में यही चल रहा था कि पैसे नहीं मिलेंगे। तभी जहाज के उड़ान भरने की घोषणा हुई और हम आने लगे तो मंत्री जी ने कहा कि कितने पैसे हुए। यशवंत सिन्हा ने तपाक से जवाब दिया। उसके बाद अमेरिकी डॉलर में उन्हें पैसे पूरे मिल गए। यशवंत सिन्हा ने अपने एक इंटरव्यू में इस घटना के बारे में बताते हुए कहा कि सभी राजनेता हमेशा आपको निराश नहीं करते हैं। यशवंत सिन्हा जब जर्मनी से लौटकर वापस आए तो वे बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के प्रधान सचिव बने थे। उस समय मुख्यमंत्री के लिए कोई कमरा नहीं था तो मुख्य सचिव की कुर्सी पर ही बैठकर वे काम किया करते थे। यशवंत सिन्हा बताते हैं कि कर्पूरी ठाकुर को सरकारी फाइलों में साइन करने का भी समय नहीं होता था। उनके पास इतने आदमी मिलने के लिए आया करते थे कि एक समय डिसाइड हुआ कि वे दिन भर में इस टाइम पर साइन करेंगे और जगह भी निर्धारित किया गया, वो था फुलवारी शरीफ मिलिट्री पुलिस
गेस्ट हाउस में वो फाइलों को साइन किया करते थे। यशवंत सिन्हा जब जेपी से मिले तो उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने का मन बना लिया था। फिर जेपी ने कहा कि जब तक आपके आजीविका का साधन न बन जाए तब तक आप इस्तीफा न दें। फिर दिल्ली में एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद यशवंत सिन्हा पूरी तरह से अपनी नौकरी छोड़ने को तैयार हो गए। वे बताते हैं कि उस समय तक उनके बच्चे भी सेटल हो गए थे और उन्हें पेंशन भी मिलने की स्थिति में आ गए थे। उनकी नौकरी अभी 12 साल और बचा था और उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने राजनीतिक पार्टी ज्वाइन किया। वे चंद्रशेखर से काफ़ी प्रभावित थे। जब देश में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी तो उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली, लेकिन उन्होंने उस पद को लेने से साफ तौर पर मना कर दिया। बता दें कि उन्हें राज्य मंत्री का पद मिल रहा था। वे राष्ट्रपति भवन में शपथ लेने के लिए पहुंचे थे और राज्य मंत्री का पद दे उन्होंने अपनी पत्नी को तुरंत कहा चलो वापस। उनका कहना था कि उन्होंने चुनाव में खूब मेहनत किया था, लेकिन उसका नतीजा यह होगा उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था। उन्होंने कहा कि इस पद को देकर उन्होंने मेरे साथ मेरे नेता चंद्रशेखर का भी अपमान किया था। फिर बाद में जब चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उन्हें वित्त मंत्री बनाया, लेकिन यह सरकार लंबे समय तक नहीं चली और सरकार गिर गई। इसके बाद वे लालकृष्ण आडवाणी से काफ़ी प्रभावित हुए और बीजेपी की सदस्यता ले ली। बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर उन्होंने कहा कि उनके सामने दो विकल्प था, या तो वे कांग्रेस जाते या फिर बीजेपी। उस समय नरसिम्हा राव चाहते थे कि वे कांग्रेस ज्वाइन कर ले, लेकिन मुझे कांग्रेस जाना अच्छा नहीं लगा तो मैंने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे की कहानी को बताते हुए यशवंत सिन्हा बताते हैं कि मैं उस दिन रांची से दिल्ली जा रहा था, बीच में फ्लाइट पटना आकर रुकी। यहाँ से लालू यादव सवार हुए, मैंने उन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद जब हम जहाज़ से उतरे तो उस समय भी उनका व्यवहार ऐसा था जैसे हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। इसी नाराज़गी के बाद उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी को फ़ोन लगाया और बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। साल 1998 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो आरएसएस की तरफ से जसवंत सिन्हा को वित्त मंत्री बनाया गया था, प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन वे चुनाव हार चुके थे। यशवंत सिन्हा को भारत का वित्त मंत्री बनाया गया। बाद के दिनों में जब जसवंत सिन्हा विदेश मंत्री बने तो उनकी जगह पर यशवंत सिन्हा को विदेश मंत्री बनाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी के काफ़ी करीबी नेताओं में गिने जाते थे यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा साल 2009 का लोकसभा चुनाव जीतने में सफल रहे, लेकिन 2014 का चुनाव आते आते यशवंत सिन्हा का बीजेपी से मोह भंग हो गया था। 2014 में उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिला। उनके बेटे यहां से चुनाव लड़े और जीते भी। फिर साल 2018 में पिछले 21 साल से चले आ रहे बीजेपी के सफर का अंत हो गया। हालांकि उन्होंने नरेंद्र मोदी के पीएम बनने का कभी विरोध नहीं किया। उन्होंने चिट्ठी लिखकर सरकार को जरूर सलाह देते रहे। बाद में उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर लिया। उसके बाद साल 2022 में जब राष्ट्रपति का चुनाव आया तो वे विपक्ष के चेहरे के रूप में सामने आए और उन्होंने टीएमसी से भी नाता तोड़ दिया। हालांकि ये चुनाव में हार गए और द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनी। तो ये था जसवंत सिन्हा के जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं, जो कि एक प्रोफेसर से लेकर एक राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने तक की पूरी घटना के साथ जुड़ा हुआ है। आपके उनके जीवन के कौन से पहलू सबसे अच्छा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।